Welcome back, dear students. In this video lecture, we discuss a new topic, classification of phylum Mollusca. तो सबसे पहले हमें इसमें एक वर्ड आया है क्लासिफिकेशन. हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या है और हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है, और क्लासिफिकेशन हम किस बेस के ऊपर कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का. तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको उसके करेक्टर के बेस के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करना क्या कहलाता है, हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है. और हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, ताकि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके कि ये जो इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, ये इस फाइलम से बिलोंग करता है, इस क्लास से बिलोंग करता है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो फाइलम जो मोलस्का है उसको क्लासिफाई किया गया है दो बेसिस के ऊपर. पहला बेसिस हमारा बेस ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ दी रेडुला, रेडुला के स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया है. सेकंड बेस कौन सा हमारा, बेस ऑन दी सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई करा है. ऑन दी बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स फाइलम मोलस्का इज क्लासिफाइड इन टू सेवन क्लासेज. ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे मोलस्का को सेवन क्लास में डिवाइड किया गया है. तो सेवन क्लास कौन कौन सी है, तो फर्स्ट क्लास है इसके अंदर ए प्लेकोफोरा, सेकेंड क्लास है इसके अंदर पोली प्लेकोफोरा, थर्ड क्लास है इसके अंदर मोनो प्लेकोफोरा, फोर्थ क्लास है इसके अंदर गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ क्लास है इसके अंदर बाइवेल्विया, और सिक्स क्लास है इसके अंदर स्कैफोफोडा, और जो सेवन्थ क्लास है मोलस्कस की वो हमारी सिफेलोपोडिक. ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है इसमें ए जो वर्ड है, ए वर्ड का मतलब होता है इसके अंदर विदाउट, और प्लेकोफोरा का मतलब होता है इसके अंदर प्लेट्स और सेल्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोलस्कस जिनके अंदर क्या हो, कोई भी प्लेट प्रेजेंट ना हो, सेल प्रेजेंट ना हो, विदाउट सेल्स के जो प्रिमिटिव मोलस्कस है वो कौन से क्लास के अंदर आएंगे, हमारे ए प्लेकोफोरा. और एग्जांपल है ए प्लेकोफोरा मोलस्कस का नियोमेनिया. ठीक है, सेकंड हमारा जो पोली प्लेकोफोरा है, पोली का मतलब आपको पता ही क्या होता है, मैनी, एंड प्लेकोफोरा का मतलब अभी हमने बताया क्या होता है, प्लेट और सेल्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे मोलस्कस इंडिविजुअल्स जिनके अंदर क्या हो, बहुत सारी प्लेट्स प्रेजेंट हो सेल्स की, वो कौन सी क्लास के अंदर आएंगे, पोली प्लेकोफोरा. और इसका एग्जांपल हमें काइटोप्लोरा और काइटोन. थर्ड क्लास है हमारी मोनो प्लेकोफोरा, मोनो का मतलब होता है वन, प्लेकोफोरा का मतलब होता है प्लेट. तो ऐसे मोलस्कस इंडिविजुअल्स जिसके अंदर क्या हो, ओनली वन प्लेट प्रेजेंट हो, वो कौन सी क्लास के अंदर आएंगे, मोनो प्लेकोफोरा के अंदर. और इसका एग्जाम्पल हमारा नियोपिलिना और माइक्रोपिलिना. ठीक है, फोर्थ क्लास है हमारी गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रो का मतलब आपको बताया, गैस्ट्रो वर्ड यूज होता है स्टोमच के लिए, और जो पोडा वर्ड यूज होता है उसके फिट के लिए. तो ऐसे इंडिविजुअल जिसके अंदर स्टोमच और फिट प्रेजेंट हो वो किसके अंदर आएंगे, हमारे गैस्ट्रोपोडा के अंदर. और इसका एग्जाम्पल है पाइला, जिसके हम टाइप स्टडी कर रहे हैं, जिसको ऑल्सो नोन एज एप्पल स्नेल के नाम से भी हम जानते हैं. ठीक है, और जो हमारा गैस्ट्रोपोडा है, हमने इसकी सेल्स पढ़ी थी, सेल्स कैसी थी, इसके अंदर मोनोवाल्वा, आपकी पूरी सेल की जो स्ट्रक्चर थी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट थे, बट डिफरेंट वॉल प्रेजेंट थे, ऐसे तीन वॉल प्रेजेंट थे. जो एंटीरियर पार्ट पे था हमारा एपेक्स था, ओल्डर था, सोट था, उसके नीचे हमारे न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट थे, बॉडी वॉल प्रेजेंट थे. तो सभी वॉल्स प्रेजेंट थे सेल्स के, बट सब पूरी स्ट्रक्चर क्या थी, एक ही वॉल के अंदर प्रेजेंट थे. ठीक है, तो गैस्ट्रोपोडा कैसा था, हमारा मोनो वाल्विया प्रेजेंट होता है, मोनोवाल प्रेजेंट होता है. सेकंड हमारा फिफ्थ जो क्लास है हमारी बाइवेल्विया, बाई का मतलब आपको पता है क्या होता है, टू, वाल्विया का मतलब होता है वाल और सेल्स. ऐसे इंडिविजुअल मोलस्कस के जिसकी सेल्स डिवाइडेड हो दो के अंदर, ठीक है, तो वो कौन सी क्लास के अंदर आएंगे, बाइवेल्विया के अंदर. और एग्जाम्पल है इसका पर्ल ओस्टर्स. ठीक है, सिक्स क्लास है इसके अंदर स्कैफोफोडा, स्कैफो का मतलब होता है इसके अंदर बोट और टस्क. ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर टस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो और पोडा मीन्स फिट प्रेजेंट हो, वो कौन सी क्लास के अंदर आएंगे, हमारे स्कैफोफोडा के अंदर. और इसका एग्जांपल है हमारा डेंटेलियम. ठीक है, जैसे टस्क, जैसे आपने एलिफेंट के अंदर देखा होगा जिसकी जो टस्क होती है, टीथ होता है उसका, जो टीथ होता है, तो हमारे जो स्कैफोफोडा के अंदर जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है, डेंटेलियम प्रेजेंट है, इसके जो बोथ एंड दोनों तरफ से क्या होंगे, हमारे ओपनली प्रेजेंट होंगे. जो हमारा एंटीरियर पास्ट है वो शॉर्ट होगा, और जो हमारा पोस्टर पार्ट है वो कैसा होता है, हमारा लार्ज होता है, और दोनों तरफ से क्या होता है, हमारे ओपन होते हैं. ठीक है, सेवंथ जो क्लास है हमारी वो हमारी सिफेलोपोडिक. इसमें जो सिफेलो जो वर्ड है, सिफेलो का मतलब होता है हेड, पोडिक का मतलब होता है फुट. ऐसे मोलस्कस जिसके अंदर क्या हो, डिस्टिंक्ट हेड, अलग से हेड दिखे,
फुट दिखे वो कौन सी क्लास के अंदर आएंगे हमारे सिफेलोपोडा, और इसका जो एग्जांपल है सिफेलोपोडा के अंदर कौन कौन से मोलस्कस आएंगे, ऑक्टोपस, सीपिया और ललिगो। ऑक्टोपस ऑल्सो नोन एज डेविल फिश, सीपिया ऑल्सो नोन एज कटल फिश एंड ललिगो ऑल्सो नोन एज स्किड। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए मैंने सारे एनसीईआरटी से लिए ताकि आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है सारे, आपने काइटन्स भी पढ़ा है, पाइला भी पढ़ा है, ओस्टर्स भी पढ़ा है, डेंटिलियम भी पढ़ा है, ऑक्टोपस, सीपिया, ललिगो जो एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी लिया ताकि आप इजीली याद कर सको। ठीक है, तो अब हमें जो अब ये क्लासेज है ये फर्दर डिवाइडेड कर रही है सब क्लासेज के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, और ऑर्डर्स को फिर फैमिली के अंदर डिवाइडेड किया है, फैमिली देन जीनस के अंदर डिवाइडेड है एंड स्पीसीज के अंदर डिवाइडेड है। बट इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ओनली जो हमारी की क्लासेज है इन क्लासेज के कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं आउटर व्यू दिखा रहा हूँ क्लासिफिकेशन का, कि जो हमारा किंगडम एनिमिलिया है, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया है, वो किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो फाइलम मोलस्कस है, इस मोलस्कस फाइलम को हमने डिवाइडेड किया है 7 क्लास के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्लास कौन सी हमारी ए प्लेकोफोरा, सेकंड क्लास कौन सी हमारी पोली प्लेकोफोरा, थर्ड क्लास कौन सी हमारी मोनो प्लेकोफोरा, फिफ्थ क्लास कौन सी हमारी गैस्ट्रोपोडा, और सिक्स क्लास कौन सी हमारी बाइवेलिया और देन स्कैफोफोडा, और जो सेवन्थ क्लास है वो कौन सी हमारी सिफेलोपोडिक्स होती है। ठीक है, जैसे हमने जो हमारी क्लास ए प्लेकोफोरा है वो डिवाइडेड है दो सब क्लासेज के अंदर, काइटोडर्मोमोर्फा और नियोमेनिया मोर्फा, जैसे हमने इसके अंदर एग्जांपल पढ़ा था नियोमेनिया। ठीक है, जो सेकंड क्लास है हमारी पोली प्लेकोफोरा वो डिवाइडेड है टू ऑर्डर्स के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर है इसके अंदर पेलियोलोरिकेटा और नियोलोरिकेटा। ठीक है, जो पेलियोलोरिकेटा है उसका एग्जाम्पल है हेलमिंथोकाइटोन्स, और नियोलोरिकेटा का एग्जाम्पल हमारा काइटोन्स और काइटोप्लूरा। ठीक है, मोपिलिया, मोपिलिया ऑल्सो नोन एज हेरी काइटन। ठीक है, थर्ड क्लास है हमारी मोनोप्लेकोफोरा, और इसका एग्जाम्पल है हमारा नियोप्लीना और माइक्रोप्लीना। ठीक है, मेनली आपको ज्यादा ध्यान देना है गैस्ट्रोपोडा के ऊपर। ठीक है, जो हमारी गैस्ट्रोपोडा क्लास है, जो गैस्ट्रोपोडा क्लास है वो फर्दर डिवाइड की है तीन सब क्लासेज के अंदर, प्रोस ब्रांकियो, ओपिसियो ब्रांकियो और पल्मोनेटा के अंदर। ठीक है, जो हमारी जो प्रोसोब्रांकिया सब क्लास है वो फर्दर डिवाइडेड है थ्री सब ऑर्डर, तीन ऑर्डर के अंदर डिवाइडेड है ये, आर्कियो गैस्ट्रोपोडा, मीजो गैस्ट्रोपोडा और नियो गैस्ट्रोपोडा। आर्कियो गैस्ट्रोपोडा के एग्जाम्पल हमारे जैसे टर्बो एग्जाम्पल है, पेटेला एग्जाम्पल्स है, मीजो गैस्ट्रोपोडा, पाइला जिसको हम एप्पल स्नेल्स भी कहते हैं, फिग सेल्स है, ये एग्जाम्पल है मीजो गैस्ट्रोपोडा के। और जो नियो गैस्ट्रोपोडा है इसका एग्जाम्पल है जैसे म्यूरेक्स है, ठीक है, फैसुलेरिया, ये एग्जाम्पल है किसके हमारे नियो गैस्ट्रोपोडा के। ठीक है, जैसे हमने जैसे पाइला की हमने टाइप स्टडी की थी तो हमने इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखी, तो सिस्टमैटिक पोजीशन जैसे मैंने ट्रिक पहले भी बताया कि सात टैक्सा प्रेजेंट होती है जिसको हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में KPC of GS। ठीक है, K का मतलब होता है किंगडम, P का मतलब होता है फाइलम, C का मतलब होता है क्लास, O का मतलब होता है ऑर्डर, F का मतलब होता है फैमिली, G का मतलब होता है जीनस एंड S का मतलब क्या होता है हमारा स्पीसीज। तो हमारा सिस्टमैटिक पोजीशन देखें, अगर हम पाइलोर्गनिज्म की सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करता है, और फाइलम कौन से बिलोंग करता है, मोलस्कस से बिलोंग करता है, और क्लास कौन सी से बिलोंग करता है, गैस्ट्रोपोडा से, और सब क्लास की अगर हम बात करें तो किससे बिलोंग करता है, प्रोसोब्रांकिया से बिलोंग करता है, और कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है हमारा मीजो गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है, और उसकी जो फैमिली है वो कौन सी हमारी प्लीडी, और जीनस का नाम क्या है हमारा पाइला, और स्पीसीज का नाम क्या है हमारा ग्लोबोसा। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस कर रखी है। ठीक है, सेकेंड है जो हमारी सब क्लास है गैस्ट्रोपोडा की ऑफिस्टोब्रांकिया, इसको फर्दर डिवाइडेड कर रखा है ऑर्डर्स के अंदर से सिफोलो फेलिडिया डिफरेंट क्लासेज के अंदर, ये आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे पल्मोनेटा को डिवाइडेड कर रखा है तीन क्लासेज के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक इन जो क्लासेज है, सेवन क्लासेज है मोलस्कस की, उनके ऑर्गेनिज्म्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास ए प्लेकोफोरा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया ए का मतलब क्या होता है अब्सेंट, प्लेकोफोरा का मतलब होता है प्लेट या सीट। तो ऐसे इंडिविजुअल्स ऑफ मोलस्कस जिसके अंदर क्या हो, जो हमारी सीट है, जो हमारी सेल है, प्रिमिटिव जो
प्लेट्स है वो क्या हो अब्सेंट हो वो किसके अंदर आएंगे हमारे एप्लेकोफोरा के अंदर। ठीक है, तो एप्लेकोफोरा के अंदर क्या आते हैं हमारे प्रिमिटिव मोलस्कस आते हैं। सिमिट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमिट्री होती है, तो ऑल एक सबसे अच्छी ट्रिक है इसके अंदर याद करने की, जितने भी हमारे सातों के साथ क्लास है ऑल क्लासेज हैव बायलेटरल सिमिट्री एक्सेप्ट वन क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा हैव एसिमेट्रिकल बिकॉज दे कंटेन टोर्जन एंड डिटोर्जन मैकेनिज्म। ठीक है, सभी क्लासेज हमारी कैसी है बायलेटरल ओनली गैस्ट्रोपोडा को छोड़कर। ठीक है, जो हमारे एप्लेकोफोरा है ये वर्म लाइक बॉडीज होती है और इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है क्यूटिकल से, और जो ये क्यूटिकल्स है वो बियर रखते हैं स्पाइकुल्स। हमने स्पाइकुल्स पहले भी पढ़े हैं, ये स्केल्टन कैल्चरस एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं स्केल्टन्स का काम करते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है बॉडी लैक्स डिस्टिंक्ट हेड। एप्लेकोफोरा के अंदर हेड बिल्कुल भी डिस्टिंक्ट नहीं प्रेजेंट होता, और सेल कैसी होती है कंप्लीटली अब्सेंट, जैसे हमने नाम से पता लग रहा है सेल क्या होती है इनके अंदर अब्सेंट होती है। फुट भी क्या होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है या फिर कैसे होगा रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और जो इनकी इंटेस्टाइन होती है वो अनकॉइल्ड होती है। ठीक है, और जो सेक्स होता है वो मे बी यूनाइटेड भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है एप्लेकोफोरा का वो कैसा होता है हमारा प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, सेकेंड क्लास है हमारी पॉलीप्लेकोफोरा। ठीक है, मैंने पहले बता दिया सभी क्लासेज के अंदर जो सिमिट्री है वो कैसी होती है हमारी बायलेटरल सिमिट्री होती है। ठीक है, पॉलीप्लेकोफोरा भी कैसे हमारा बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है। गिल्स की बात करें तो इनके अंदर मल्टीपल्स गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गिल्स ऑल्सो नोन एज टिनिडियम। ठीक है, ये हमारे एरिया हमारे एक्वेटिक रेस्पिरेशंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पॉलीप्लेकोफोरा के अंदर मल्टीपल्स गिल्स होते हैं, 6 to 80 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर किडनी का प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हेड क्या होता है इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब अस्पष्ट जो दिखाई ना दे। ठीक है, बट जो आईज होती है टेंटिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे अब्सेंट होती है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है, मींस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है पॉलीप्लेकोफोरा के अंदर। ठीक है, तो लार्वल स्टेज है तो इसके अंदर जो फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, बट जो सेकेंड लार्वल स्टेज है वेलिजर लार्वा वो क्या होता है इसके अंदर अब्सेंट होता है। ठीक है, जो प्लेको पॉलीप्लेकोफोरा मोलस्कस है इनको हम ऑल्सो नोन एज आर्मडिलोज ऑफ दी सी, हमें सी आर्मडोल्स ऑफ सी भी कहते हैं। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज काइटोन्स, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था काइटोन्स पढ़ा था। ठीक है, थर्ड क्लास है हमारी मोनोप्लेकोफोरा, तो मोनोप्लेकोफोरा के अंदर भी सिमिट्री कैसी है हमारी बायलेटरल सिमिट्री है, और इनके अंदर क्या होता है वेल डेवलप्ड सिलोम प्रेजेंट होता है, हेड कैसा होता है हमारा रिड्यूस होता है, और आई क्या होती है अब्सेंट होती है, सेक्स कैसे होते हैं हमारे सेपरेट होते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली हैबिटेट कैसी होती है इनकी मैराइन होती है, और गिल्स की बात करें तो गिल्स कैसे होते हैं हमारे मोनोपेक्टिनेट टिनिडियम या गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोपेक्टिनेट मैंने पहले बताया क्या होता है, अगर हमारे जो गिल्स है मेंटल कैविटी के ओनली एक साइड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे मोनोपेक्टिनेट। ठीक है, और जो गिल्स है 3 to 6 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रिडिया 6 to 7 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्लास है इसके अंदर हमारी गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, मैंने बताया सभी के अंदर बायलेटरल सिमिट्री प्रेजेंट होती है, बट ओनली गैस्ट्रोपोडा जो क्लास है उसके अंदर जो सिमिट्री है वो कैसी होती है हमारी एसिमिट्री बॉडी होती है, और एसिमिट्री जो होती है बॉडी की वो किसके कारण होती है ड्यू टू टोर्जन एंड डिटोर्जन के कारण होती है। ठीक है, और मैंने बताया था जो इनकी जो सेल्स है वो सिंगल्स मोनोवाल होता है, तो सिंगल पीस स्पाइरली ट्विस्टेड सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने बताया था कि जो सेल्स है वो डेक्स्ट्रल है या सिंस्ट्रल है। ठीक है, कि राइट हैंड साइड कर्व है या लेफ्ट हैंड साइड कर्व है, उसके बेसिस पे हमने डेक्स्ट्रल और सिंस्ट्रल बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हेड कैसा होता है वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, और हमने पहला जो पढ़ा था गैस्ट्रोपोडा के अंदर पढ़ा था हेड क्या होता है वेल डिफ्रेंशिएटेड था उसके अंदर। ठीक है, और वो क्या बियर करता था आई और टेंटिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दो पेयर, जैसे हमने पाइला के अंदर पढ़ा था दो पेयर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक पेयर आई का प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं इंटेस्टाइन कैसे होते हैं कोइल्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कोइल्ड होते हैं इंटेस्टाइन वो किसके कारण होती है टोर्जन के कारण, टोर्जन का होता है रोटेशन, इसकी बॉडी जो सेल्स है वो रोटेट करती है, और रोटेशन के कारण इसकी जो इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है हमारी कोइल्ड, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि इसकी जो इंटेस्टाइन है 2.5 to 3.5 क्या होता है उसके अंदर कोइलेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर साइफोन्स प्रेजेंट होते हैं, साइफोन्स को हमने पहले बताया न्यूट्रल ट्यूब भी कहते हैं, दो साइफोन्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइफोन्स और राइट साइफोन्स।
ठीक है। इसके बाद जो गैस्ट्रोपोडा है वो लार्जेस्ट लिविंग क्लास है अमंग मोलस्कस एंड इंक्लूड्स स्नेल्स स्लग्स और लिम्पेड्स। ठीक है, जो लार्जेस्ट क्लास है मोलस्कस की वो कौन सी हमारी, गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट फिफ्थ क्लास कौन सी हमारी, बाइवेलिया। इसके अंदर भी कैसी होती है हमारी, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हेड कैसा होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, रेडुला जा आई एंड टेंटिकल्स ये सभी क्या होते हैं इसके अंदर, अब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं इसके अंदर, एक पेयर ऑफ प्लेट, एक पेयर प्लेट की प्रेजेंट होती है लाइक टिनिडियम जैसे। ठीक है, और मोस्टली कैसे होते हैं हमारे, यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ह्यूमन की बॉडी से आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है। और जो डेवलपमेंट है वो कैसे होते हैं हमारी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट मीन्स जिसके अंदर लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट हो। ठीक है, एंड कंप्लीटेड बाय, जो इन लार्वल स्टेज है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मीन्स लार्वल स्टेज पर जाए तो लार्वल स्टेज कंप्लीट करेगा बाई ट्रोकोफोर लार्वा एंड वेलिजर लार्वा। ठीक है, सिक्स क्लास है इसके अंदर स्कैफोपोडा। तो स्कैफोपोडा के अंदर कैसे होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, टस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोनिकल सेल्स प्रेजेंट होती है जो ओपन होती है एट दी बोट एंड, दोनों एंड से क्या होगी हमारी, ओपन होगी। रेडुला इसके अंदर प्रेजेंट होगा बट आई क्या होगी इनके अंदर, अब्सेंट होगी। गिल्स हेड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ये सभी क्या होंगे इसके अंदर, लेकिंग अब्सेंट होंगे। ठीक है, गोनड कैसे होंगे हमारे, अनपेयर्ड होंगे। और किडनी कैसी होंगी हमारी, पेयर्ड होगी। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनके अंदर, एक्सटर्नल। और एग्स कैसे होंगे हमारे, प्लैंक्टोनिक्स। मैंने पहले बताया है एग्स कैसे होंगे हमारे, प्लैंक्टोनिक्स। प्लैंक्टोनिक्स का मतलब मैंने पहले बताया कि ये फीड करे। वैसे नॉर्मली एग कैसे होते हैं हमारे, वेटिलोजेनेसिस मींस योक को फीड करते हैं, बट ये वाले इनके जो एग है वो किसको फीड करेंगे, प्लैंक्टोन्स को ईट करेंगे। ठीक है, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं मीन्स बोथ ट्रोकोफोर लार्वा एंड वेलिजर लार्वा क्या होते हैं इनके अंदर, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट फाइनल क्लास हमारी सिफेलोपोडा, और सिफेलोपोडा ऑल्सो नोन एज स्फाइनोफोडा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और जो हेड, जैसे हमने पहले बताया, जैसे नाम से पता लग रहा है सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है हेड, पोडा का मतलब होता है फिट, तो इसके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनके अंदर सेल्स कैसे होते हैं, यूजली इंटरनल। जैसे अब तक भी जितने हमारी क्लास पढ़ी थी उनमें जो स्केल्टन था वो एक्सोस्केल्टन था, बट सिफेलोपोडा के अंदर क्या है हमारा, जो स्केल्टन है सेल्स है वो कैसे हमारी, इंटरनल प्रेजेंट है मींस एंडोस्केल्टन्स प्रेजेंट है। ठीक है, गिल्स टिनिडियम्स आर सिंगल पेयर, और जो गिल्स है उनका क्या होता है, सिंगल पेयर प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स एंड हाईली डेवलप्ड होता है। ठीक है, और हाईली डेवलप्ड इनके अंदर आई होती है। सेक्स कैसे होते हैं हमारे, सेपरेट होते हैं। और एक्सटर्नल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है सम स्पीसीज के अंदर, मैंने पहले बता रखा है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर डेवलपमेंट कैसे होते हैं हमारी, डायरेक्ट मीन्स नो लार्वा स्टेज प्रेजेंट। आई होप, थैंक यू।